स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससीए डिजिटल लर्निंग क्लासेस। दिस इज हफ्सा फारूक, योर मैथ्स टीचर। कंटिन्यू अवर चैप्टर एंगल्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एंगल्स, ठीक है। एंगल्स क्या होते हैं ये पढ़ा था हमने, फिर हमने एंगल्स की टाइप्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कपल, यानी टू दो चीज़ें जिसकी होती हैं उसको हम पेयर कहते हैं। तो हम पेयर्स ऑफ एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि दो एंगल्स को हम एक साथ कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक फर्स्ट टाइप होती है कॉम्प्लीमेंट्री, और सेकेंड टाइप इसकी होती है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि टू एंगल्स को प्लस करके आंसर हमेशा 90 डिग्री आना चाहिए। कैसे? जैसे हमारे पास दो एंगल्स हों, यानी एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल 30 डिग्री। 60 प्लस 30 क्या होता है? 90, ठीक है। दो एंगल्स जिनको प्लस करके आंसर 90 डिग्री आए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 47 एंगल 43 इज इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री। ये भी क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल 55 डिग्री प्लस एंगल 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कोई भी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कराते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ड्रॉ कैसे करते हैं? अब जैसे ये 60 और 30 वाला एंगल, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप जैसे क्या को बताया कि एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसे ही होता है 90 डिग्री का एंगल। अब 30 और 60 बनाना। पहले मैं इसमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ इस तरफ लाइन तो ज़ीरो यहाँ से शुरू होगा, 0, 10 और ये 30 डिग्री का एंगल मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से 30। अब यहाँ से चेक करें दूसरा एंगल, हम ये एक एंगल तो हमने बनाया ना 30 में, अब हम दूसरा एंगल चेक करेंगे तो वो 60 होगा। देखिए मैंने इसको अब यहाँ रखा, ये देखिए पूरा 60 आ रहा है, 60 की लाइन पर है। तो ये जो है, जो दो एंगल 90 इस पर बने हो, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सही, इसको हम नाम दे देते ए बी सी डी, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि एंगल ए बी डी, एक एंगल ये हुआ ए बी डी
प्लस डी बी सी एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल ए बी डी की क्या वैल्यूज है हमारे 60 डिग्री सही है, और एंगल बी डी सी की क्या थी हमारी 30 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आंसर है। ओके तो इसको हम कोई भी ऐसा कोई भी दो ऐसे एंगल जो प्लस करके आंसर 90 डिग्री आए और वो 90 डिग्री के एंगल पे दोनों इस तरह से हम बनाएं तो वो क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसके हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 12 इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करिए 70 डिग्री इसको हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है ठीक है। तो फर्स्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर होता है, हम लिखेंगे पहले यहाँ पे फॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए और एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अब हमें एक एंगल तो दिया हुआ है 70 डिग्री, दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री है ठीक है, मगर हमें एंगल बी नहीं पता तो हम एंगल बी की जगह सपोज कर लेंगे कि वो क्या है एक्स ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम एंगल ए की जगह पे लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल बी की जगह एक्स आ गया और 90 डिग्री इनका टोटल सही। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 70 को हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गया 90 माइनस 70 20 डिग्री सही है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे ठीक है, ड्रॉ कैसे करेंगे हम, फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हमने स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ठीक है, पहले हम 90 डिग्री का एंगल बना लें, ये मैंने पूरा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया ठीक है। अब एक एंगल क्या है 20 डिग्री का है और एक 70 डिग्री का, तो अब मैंने पहले यहाँ रखा, अब आपका जो दिल चाहे आप 70 बनाना चाहें 70 बना लें, 20 बनाना चाहें 20 बना लें, मैं यहाँ पे 70 बना रही ठीक है 70 ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइन से 0 10 20 30 40 50 60 ये हो गया 70, यहाँ मैंने ये 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया ठीक है, ये 70 डिग्री और 20 डिग्री का ऑटोमेटिकली ये ड्रॉ हो गया। देखो मैं यहाँ पे आपको रख के चेक भी करवा देती हूँ, ये देखिए ये 20 डिग्री पे लाइन पूरी फट आ रही है, तो ये 70 डिग्री हुआ और ये अब हमने 70 डिग्री पे क्या सपोज किया था कि 70 डिग्री का एंगल किसके बराबर ए, तो ये क्या हो गया हमारा ए
ठीक है, इसको हमने लेबलिंग कर ली। ओके, अब इसके सारे बाकी के पार्ट्स इस तरह ही सॉल्व होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी इसी तरह होता है, मगर सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी दो एंगल का सम हमारे पास हमेशा होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि दो एंगल का सम हमारे पास क्या था 90 डिग्री, मगर सप्लीमेंट्री में हमारे पास दो एंगल का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें 70 डिग्री प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकेंड हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक एंगल है 135 डिग्री का, तो दूसरा एंगल होगा 45 डिग्री, क्या आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर एक एंगल है हमारे पास 85 डिग्री का, तो दूसरा एंगल हमारे पास होगा 95 डिग्री का, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब इसकी डायग्राम कैसे ड्रा होगी, इसकी डायग्राम कैसे ड्रा होगी कि पहले हम 180 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये मेरा ये सेंटर है, वर्टेक्स है मेरा, ये एक एंगल की आर्म ये है और एक एंगल की आर्म ये सही, ये मेरा वर्टेक्स है। ठीक, अब इस पे एंगल कैसे ड्रा होगा, मैं फॉर एग्जांपल 70 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, 70 डिग्री का एंगल मैं प्रोटेक्टर को कहाँ रखूँगी, बिल्कुल यहाँ ऐसे रखूँगी। ठीक है, और 70 डिग्री ये यहाँ से, ये मैंने 70 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया। सही है, अब आप दूसरा एंगल देखेंगे ना यहाँ से, तो 110 आ रहा होगा। देखिए मैंने इस लाइन से शुरू करा, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 10, ये देखिए 110 की लाइन पे आ रहा है ये वाला एंगल। सही है, और यहाँ से आप चेक करेंगे इधर से इस एंगल को इस तरफ से, तो क्या आ रहा है 70 आ रहा है। यहाँ से अगर ज़ीरो से काउंट करें तो 0, 70 आ रहा है, और इस वाले ज़ीरो से काउंट करें तो क्या आ रहा है 110 आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको लेबल भी करेंगे। सही है, ए बी सी और डी, जिसमें हमारा एंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री, और एंगल डी बी सी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ओके, एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 13, इसका मैं पार्ट टू सॉल्व कर रही हूँ। इसमें देखें क्या दिया, आप कह रहे हैं राइट द साइज ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है, इसमें ड्रॉ करना है। तो इसमें 80 डिग्री यानी एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर सप्लीमेंट्स। ठीक है, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए इसमें 180 डिग्री। तो एंगल ए तो हमें दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, और हमें एंगल बी नहीं पता, तो उसकी जगह हम क्या सपोज कर लेंगे एक्स।
ठीक है। अब एंगल ए की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट की इस वाली इसमें फॉर्मूले में, ठीक है, प्लस बी की जगह एक्स लिख दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 80 को मैं उस तरफ ले जाऊंगी इक्वल टू के 80 यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू 180 में से 80 माइनस के क्या आएगा आंसर 100 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम, फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसमें ये हमारा वर्टेक्स है, सही। अब इस वर्टेक्स पे हमने रख के एंगल को ड्रॉ किया, सही। मैं बना रही हूँ इस पर 100 का, तो अब मैंने यहाँ से ये ज़ीरो की लाइन जा रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखा जाए, सही है, तो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ पे देखें यहाँ पे कौन सी लाइन आई है 80, यहाँ से 0 काउंट कर रही हूँ तो 100 आ रहा है और यहाँ से 0 काउंट कर रही हूँ तो 80 आ रहा है। तो दोनों तरफ से एक 100 का एंगल बन रहा है और एक 80 का एंगल बन रहा है और दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री का। तो अब इसको मैं लाइन को ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पे, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। हमें इन लाइंस का एंडिंग पॉइंट नहीं पता ना कहाँ तक जाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एरो बनाना ज़रूरी है। अब इसको लेबल कर लेंगे हम, ठीक है। सही है, हमने इस डायग्राम को लेबल कर लिया और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया ये 100 डिग्री है और ये क्या आंसर है 80 डिग्री, सही है, इस तरह से मेंशन। अब आपके इसके बाकी के पार्ट्स इसी तरह सॉल्व होंगे। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको होमवर्क करना है, होमवर्क क्या करना है, डू एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इन योर रजिस्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।